आप उसको विवेक से भुला सकते हैं, लेकिन आप जब थप्पड़ लगाते हैं तो ये बार बार चुभती रहती है बात कि मैंने थप्पड़ लगा दिया। ध्यान देना, बहुत कुछ गलत सलत भी हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि परीक्षित जी महाराज से भी कुछ जरूर हुआ होगा। थोड़ी देर के लिए देख लो, चाहे जान में और चाहे अनजान में, परीक्षित जी महाराज यहां भी प्रसंग आएगा, लेकिन कुछ दूसरी तरह से है। श्रीमद् भागवत के परीक्षित की कथा का प्रसंग है। शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए, शिकार नहीं मिला और एक आश्रम में प्रवेश करते हैं। ध्यान देना, आश्रम में कौन होगा? आश्रम में कोई साधना रत ही तो व्यक्ति होगा। एक ऋषि बैठा हुआ आंखें बंद किए हुए है। आंखें जब बंद किए हुए बैठा है तो वह परीक्षित को, चूंकि परीक्षित भोगवाद की भूमिका में है और ऋषि योग की कक्षा में है, ऋषि जब ध्यानस्थ बैठा था तो वह योग में था, योगी था, लेकिन एक योगी को परीक्षित नहीं देख पाते। इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि परीक्षित भोगी की कक्षा में है। परीक्षित जब शिकार के लिए गए हैं तो वहां पर भोगवाद की भूमिका है। आखिर उस शरीर के साथ देहाभिमान है, मैं मारूंगा, यह कब ख्याल होता है? जब कोई देहाभिमान में हो, देह के साथ अहम रखता हुआ परीक्षित का व्यक्तित्व शिकार के पीछे दौड़ रहा है, और शिकार अगर मिल जाता तो पुष्टि किसकी होती? देह की ही तो पुष्टि होती। यह भोगवाद की भूमि है। भोगी की कक्षा से योगी नहीं दिखता। योगी ईश्वर के साथ में है और भोगी देह के साथ में है, यही महाराजा परीक्षित की विडंबना है। यह बात दूसरी है इस प्रश्न के साथ कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ। थोड़ी देर के लिए समाधान दिया जा सकता है कि कलयुग का प्रभाव था। तो जब परीक्षित पर कलयुग का प्रभाव था तो क्या कलयुग का प्रभाव हमारे आपके ऊपर नहीं होगा? परीक्षित आज जब आश्रम से वापस आने के बाद जो उनसे अनजाने में ही एक बहुत गलत बात बन गई थी, उस योगी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ऋषि के पुत्र को पता चला और उसने शाप दिया। अब परीक्षित के सामने प्रश्न है कि मेरी सद्गति कैसे होगी? बहुत कुछ अनर्थ भी हुआ, गलत भी हुआ। एक महायोगी सुखदेव जी परीक्षित की समस्या से उनको ऊपर उठाने की व्यवस्था में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा उनकी व्यथा को दूर करती है। भक्ति भाव का संचार हो जाए, ज्ञान में स्थिति हो जाए। भक्ति संसार से उठाकर
परमात्मा के चरणों में हो जाए। और ज्ञान का अर्थ है हम अज्ञान की स्थिति में संसार से जुड़े हुए रहते हैं, ऐसा ज्ञान कि ये संसार कितना ही हो शुभ लेकिन वह क्षणिक है। इमं प्राप्य भजस्व माम, ये संसार अशाश्वत है, दुख रूप है, थोड़ी देर के लिए इस संसार में ये सत्य है कि जो कुछ भी मिलता है कितना ही सुखद हो किंतु वह अनित्य है। हम एक सम्मोहन में चलते रहते हैं और उस सम्मोहन में आशा के बंधन में हम नई परिकल्पना के साथ नई भावना के साथ एक पीछे के दर्द को भूलते हैं, नई सुख की संभावना के साथ जुड़ करके चलते हैं, लेकिन हर क्षण बीतता है और एक नई आशा जगती है। पूर्णता कभी नहीं मिलती, वह पूर्णता तो भगवान के चरणों में ही है। इस ज्ञान के साथ भक्ति में स्थिरता आती है। भक्ति में स्थिरता, भक्ति को दो तीन रूपों में बताया, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। अब श्रवण और कीर्तन स्मरण के साथ जब आप चल रहे हैं तो श्रवण दूसरा बोल रहा हो तो आप कर सकेंगे, कोई सुनने वाला हो तो आप कीर्तन कर सकते हैं, सुना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप नाम का संकीर्तन कर रहे हैं उसी को कीर्तन कहा जाए। जिसकी महिमा का, जिसकी कीर्ति का, जिसके चरित्र के वैशिष्ट्य का जब व्याख्यान किया जाता है वह भी कीर्तन है, चाहे गा करके किया जाए और चाहे गद्यात्मक भाषा में किया जाए। तो कभी आप सुनते हैं और कभी आप सुनाते हैं। आपको जो प्रिय होता है वही आप सुनना चाहते हैं, और जो प्रिय होता है आपको दूसरा सुने तो अच्छी बात, ना सुने तो भी आप सुनाना चाहते हैं। आपकी प्रियता भगवत चरणों में इतनी हो जाए कि आप संसार की प्रियता से हट जाएं, संसार की प्रियता से आप ऊपर उठ जाएं। और जब दोनों ही बातें नहीं हैं तो आप स्मरण में हैं, ना कोई सुनाने वाला है और ना तो आपके सामने कोई सुनने वाला है, तब आप स्मरण में आ जाएं। भक्ति तीन बातों में ही केंद्रित है और तीनों में स्थिति तभी होगी जब ज्ञान हो। इसीलिए भक्ति के साथ ज्ञान का संबंध है, और जब ज्ञान का संबंध घनीभूत होता है तो इसी के साथ विराग निश्चित ही उसको संभालता है। यही भक्ति का मर्म है। ध्यान दें, जब देवी भागवत की कथा करने जा रहे हैं पाठोत्सव के संदर्भ में, तो देवी आपको क्या देगी, देवी से आपको क्या शुद्ध होगा? इसका उत्तर इतना ही है कि मां जो विश्व माता है, पापापहारिणीम देवीम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीम अनंताम व अनंत महिमा वाली है। अपनी अनंत महिमा में वह आपकी क्षुद्रता को, आपकी अल्पता को अपने आप में, हम सब अल्पता से घिरे हुए हैं, चाहे वह वर्तमान चाहे वह भविष्य, हम आकांक्षाओं जो हमारी जरूरतों के साथ निरंतर नए नए रूप में पैदा होती हैं, और इसी के साथ जो हमारे आकांक्षा से उद्देश्य चालित जीवन में बाधक तत्व है उससे हम पीड़ित होते हैं, वह जो गलत है उससे हमें वह बचाती है, और जो शुभ है उससे हमें संपन्न बनाती है। एक बात फिर कहूंगा, श्रीमद् भागवत को कल्पतरु कहा कि वह कल्पतरु का फल है, निगम कल्पतरुर गलितम फलम। लेकिन
कल्पतरु के नीचे बैठकर कल्पना कर लें। कल्पना हो सकता है आपकी अधूरी रह जाए, लेकिन अगर कल्पतरु वृक्ष का फल मिल जाता है, श्रीमद्भागवत को कहा यह फल है, फल खा लेने पर आपको कल्पना करने की जरूरत नहीं है। जो आपके लिए शुभ है बस आपको मिल जाएगा। लेकिन और भी देवी भागवत को हम देखें, यह मां की गोद है। हम सब शास्त्रीय परिभाषा में, शास्त्रीय व्यवस्था में योग और क्षेम से जुड़े हुए हैं। संपूर्ण योग और संपूर्ण क्षेम हमारी कल्पना के साथ नहीं, हमारे किसी पुरुषार्थ के साथ नहीं, लेकिन यदि मां की गोद में बैठे हैं तो योग और क्षेम की वह चिंता स्वयं करती है। जो कुछ भी आवश्यक है वह हमें स्वयं प्रदान करती है। इस अर्थ में देवी भागवत उस महिमामयी जो विश्व जननी है, विश्व मातादि विद्योम कामो योनि कमला वज्रपाणि गुहा हसा मातृष्वा ब्रमिंद्रः पुनर्गुहा शकला माया च पुरुचेषा विश्व माता दिविद्योम आदि विद्या के रूप में वह है। यदि यह सच है कि कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, तो ये बात तो सच है, लेकिन कल्पना करिए एक बच्चा जो खिलौनों से उलझ जाता है, वो मां की दृष्टि में तो है, लेकिन वह विशेष मां की दृष्टि में नहीं है। एक बच्चा जो मां की गोदी से दूर हटकर थोड़ी दूर में उछल कूद रहा है, मां की कृपा तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी दूरी है। लेकिन एक बच्चा अपनी भावना में, आपने बच्चे को कुछ दिया और जब बच्चा आपसे, मान लीजिए आपने कुछ टॉफी दी और वो बच्चा आपके द्वारा मिली हुई टॉफी को आपको ही देता है, कहता है आप भी लो। आपके द्वारा दी हुई टॉफी को पाकर वह आपको ही कहता है आप भी लो, तो आपको कैसा लगेगा? कम बच्चे होते हैं। एक ऐसा भी बच्चा है जो आपकी दी हुई टॉफी को पाकर के भी खुश नहीं है, वो कहता मने बधारे आपको, आप उसे और भी देना चाहेंगे। एक और भी उन बच्चों में एक बच्चा है जो आपकी दी हुई टॉफियों को दूसरों को दे देता है। आप किस बच्चे को ज्यादा पसंद करेंगे? जो आपके द्वारा दी हुई टॉफी को पा करके भी खुश नहीं है, रो रहा है कि और दो। दूसरा है जो हाथ में आई हुई टॉफीज को दूसरों को दे देता है, और तीसरा है जो पा करके टॉफी आपको भी खिला रहा है, दूसरों को भी दे देता है। आपको कौन ज्यादा पसंद आएगा? तीनों ही बच्चे हैं, तीनों ही तो अपने ही बच्चे हैं, लेकिन तीनों की प्रकृति अलग अलग है, तीनों का व्यवहार अलग अलग है। तब प्रश्न है कि आपको ज्यादा कौन प्रिय लगेगा? इसी का नाम है पात्रता। इस पात्रता के साथ, इस विशेषता के साथ मां किसी के